बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में रहें। ये मेरे व्लॉग की सबसे पहली वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो मेरी आपसे गुजारिश है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और डिसलाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज की इस वीडियो का आगाज़ हम इशाद इलाही से करते हैं। फरमाया गया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसने उसकी करने की कोशिश की। तो अल्लाह पाक बड़ा रहमान और रहीम है, बड़ा करीम है, उसकी ज़ात बहुत बड़ी है और वो बेनियाज है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैन कदीर, बेशक वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वो चाहे एक आम से आदमी को बहुत आला मकाम दिला सकता है और एक बहुत बड़े आला मकाम वाले को, बादशाह को भी ज़मीन बोस कर सकता है। तो जब हम अल्लाह पाक से कोई चीज़ मांगें तो इस बात देखना कि मैं क्या चीज़ हूँ, बल्कि हमें ये देखना है कि अल्लाह पाक के साथ कितनी बड़ी है और वो हमें क्या कुछ दे सकती है। तो इसलिए हमें आला ज़र्फ़ी के मियार को नज़र रखते हुए अल्लाह पाक से मांगना चाहिए। तो अल्लाह पाक से जब दुआ मांगा करो तो बहुत ज़्यादा मांगा करो, क्योंकि अल्लाह पाक ये ना देखा करो कि मुझे क्या मिल सकता है और मैं क्या हूँ, बल्कि इस बात को देखा करो कि अल्लाह पाक की ज़ात कितनी बड़ी है और वो हमें क्या कुछ दे सकती है। वही बात, फ़ाबी अय आला रबी को मात कज़ीबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि अल्लाह पाक को राज़ी कर लो, नमाज 5 वक्त की पढ़ा करो। आज की वीडियो इतनी ही, कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए, तब तक दीजिए इजाज़त अपने दोस्त मेहरान को। अल्लाह हाफिज़।